हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फूड एक्सपर्ट्स। सो आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय, जो कि आपने बहुत दफ़ा ट्राई की होगी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से भी और घरों में भी। हमारी ख़वातीन जो हैं वो फ़र्क फ़र्क रेसिपी से बनाती हैं, लेकिन उसमें डालती हैं मीठा सोडा और ठंडा पानी ताकि उसका केमिकल रिएक्शन होए और फिर उसका पिंक कलर आए। तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है वो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक आसान तरीका, जिसमें आप पहले से थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जितनी दफ़ा भी गेस्ट आए, जो भी आए, फूफो आए, लाहौर वाली खाला आए, कराची वाली मौसी आए, या पिंडी वाली नंद आए आपकी, आपने जल्दी से वो निकालना है सिरप, वो डालना है, ऑर्गेनिक है और चाय का टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चले जी, तो शुरू करते हैं इंस्टेंट कश्मीरी चाय की रेसिपी। सो उसके लिए हम पहले अपना फूड कलर बना लेंगे, ऑर्गेनिक फूड कलर बना लेंगे। अगर आप चाहें तो बाज़ार का फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम वो केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे, तो इसलिए हम अपना ऑर्गेनिक फूड कलर बनाएंगे। और इजी प्रोसेस है और इसको आराम से 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और बार बार चाय बना सकते हैं, और जो कि जल्दी बनेगी। सो अब हम लेंगे 1 कप पानी, और मैंने 2 अदद बीट रूट ली है, उसको पील करके साफ़ कर लिया है, और इसको हम कर लेंगे बॉयल। चले जी, चिकंदर जो है हमारी वो हो गई है बॉयल। मैंने इसको कोई 10 मिनट बॉयल किया। अब इसको ठंडा करके फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ओके जी, हमारी चिकंदर जो है वो कूल डाउन हो गई है, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ओके जी, अब हमारी जो चुकंदर है वो हो गई है अच्छे से ब्लेंड, अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। चलो जी, इसको हम अब स्टेन कर लेते हैं। जी, ये हमारा ऑर्गेनिक फूड कलर तैयार हो गया। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप 150 ग्राम चुकंदर लाएं, एटलीस्ट 1 प्लेट उसको कद्दूकस करें, बाहर उसको धूप में रख दें, 2 से 3 दिन लगेंगे, चुकंदर अच्छे से ड्राई हो जाएगी, उसको ब्लेंड कर लें, और वो पाउडर जो है आप पूरा साल यूज़ कर सकते हैं और वो ख़राब नहीं होएगा। ओके जी, अब हम अपना रेडी कर लेते हैं इंस्टेंट कश्मीरी चाय का पाउडर, जिसके लिए हमें चाहिए कश्मीरी चाय की पत्ती, जो कि हम लेंगे 4 टेबलस्पून, और जो कि 4 कप चाय के लिए इनफ है। और उसके साथ हम लेंगे 1 छोटी सी सिनेमन की स्टिक, और कुछ 5 इलायचियाँ ग्रीन रेगुलर, और ये है हमारा बादियान का फूल, इसे मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ हमें सिर्फ इतना सा पीस चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और हमें चाहिए 1/4 टेबलस्पून नमक, और हमें 1 पिंच जो है वो चुटकी हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडे से जो चाय की पत्ती का थोड़ी सी बिटरनेस है वो कम हो जाएगी, और बड़ा अच्छा स्मूथ जो है वो फ्लेवर चाय का और टेक्सचर बनेगा।
अब हम अपनी सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ओके जी, हमारा इंस्टेंट कश्मीरी चाय का पाउडर रेडी है। ओके जी, फाइनली लास्ट स्टेप। ओके, अब हम लेंगे हाफ कप पानी, उसको हम कर लेंगे गरम थोड़ा, जब इसको बॉयल आएगा फिर हम इसमें डालेंगे अपनी इंस्टेंट कश्मीरी चाय का पाउडर। ऑलराइट जी, ये हमारे पानी को आ गए हैं अच्छा सा बॉयल, और अब हम इसमें डालेंगे अपना कश्मीरी चाय का पाउडर जो कि है 1.5 टीस्पून। और इसको ज़रा अच्छा सा बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें अपना दूध ऐड करेंगे। ओके, अब हम इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि ज़रा जो हमारी कश्मीरी चाय का पत्ती है उसकी अच्छे से 2 मिनट पक के उसकी अच्छे से अरोमा उसका निकले, और उसके बाद फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ओके जी, हमारी चाय को अच्छे से बॉयल आ गया, इसको हमने 2 मिनट के लिए पका लिया और बड़ा अच्छा इसका खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 1.5 कप दूध ऐड कर लेंगे। ओके जी, अब इसको ज़रा एक दो बॉयल आ जाए फिर इसमें हम अपना ऑर्गेनिक फूड कलर और इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। और आप इसके ग्रीन कलर से परेशान ना होना क्योंकि ये पत्ती का और जो इलायची हमने ग्राइंड की थी उसकी वजह से थोड़ा कलर ऐसा है, लेकिन जब हम इसमें अपना ऑर्गेनिक फूड कलर डालेंगे तो फिर ज़बरदस्ती चाय बन जाएगी। ओके जी, हमारी चाय को बॉयल आ गया, अब हम इसमें अपना ऑर्गेनिक फूड कलर डालेंगे। ओके जी, ये जैसा आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा पिंक कलर आ गया। मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो अपना ऑर्गेनिक फूड कलर डाला है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पिंक चाहते हैं या कम पिंक चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसको कम कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी शुगर ऐड कर लेंगे, तकरीबन कोई मैं इसमें डालूँगा 1.5 टेबल स्पून। ओके जी, अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं अपनी चाय को अच्छे से एक दो बॉयल आ जाए तो हमारी चाय रेडी है। थोड़ा सा प्रोसीजर आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन एक दफ़ा आप सिर्फ आप चीज़ें रेडी कर लें, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको जब भी चाहिए आपके पास फूड कलर भी रेडी है जो कि ऑर्गेनिक फूड कलर है, और आपके पास आपकी इंस्टेंट कश्मीरी चाय का पाउडर भी रेडी है। सो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी टी और उसके बाद मिल्क ऐड करना है और आपकी चाय रेडी। ओके जी, चाय हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं। ओके जी, हमारी चाय रेडी हो गई है, अब हम इसको पिस्ते से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। आप देखें ऐसा कितना ज़बरदस्त पिंक कलर आया। अगर आप चाहें तो अपना इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कलर, और अदरवाइज़ बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन कलर आया।